मारूफ पखावजी पंडित अयोध्या प्रसाद से लिया गया एक इंटरव्यू सुनवा रहे हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं हफीज अहमद खान। पंडित अयोध्या प्रसाद जी, आपने जो ये साज अभी बजाया, ये तो समझिए कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे कदीम साज है और आप मौसीकी की दुनिया में इस साज की बदौलत आपने काफ़ी नाम हासिल किया है। तो पंडित जी, आप अपने फन और आप अपने साज के बारे में और मौसीकी के माहौल के बारे में बताएंगे? जी हाँ। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज करूँगा कि आपका ये जो साज है, इसकी तारीख क्या है, यानी इसकी इब्तिदा कैसे हुई, उसके ऊपर आप जरा रोशनी डालिए। हाँ, उसकी इब्तिदा तो श्रीमान जी ऐसे हुई है कि शंकर का भक्त एक वृत्रासुर था। जी हाँ। जिसने बड़ी तपस्या करके शंकर से वरदान पाए बहुत से, और वो ऐसा बलाकारी हुआ कि वो किसी से हारता नहीं था। जी। और उसने खुद ही जब उस देखा कि इतना बल उसको प्राप्त हुआ, तो शंकर से खुद कहा कि मुझसे आप युद्ध कीजिए। अच्छा। तो अब शंकर ने तो खुद वरदान दिया, तो हंसे महाराज शंकर, उन्होंने कहा भाई अच्छा। तो गणेश की उत्पत्ति हुई। अच्छा। गणेश की उत्पत्ति हुई और गणेश जी ने उसको युद्ध में मारा। अच्छा। उसके रक्त से और मिट्टी से ये पखावज की जो देह है, यानी जिस्म, हाँ, ये जो हमें ये जो लकड़ी का हिस्सा, ये लकड़ी का हिस्सा दिखता है, ये तो उसकी उसका रक्त से और मिट्टी से बना, और मिट्टी से ये चीज बनी, ये बनी, और गट्टे उसकी हड्डियों से बने। अच्छा। गट्टे जो लगे हुए सामने जिसके ऊपर ये खाल की पत्तियां हैं, तो ये गट्टे जो है वो उसकी हड्डियों से बने, उसकी खाल से ये मढ़ा गया। अच्छा। ऐसा हुआ और प्रथम इसको गणेश जी ने बजाया, और बहुत से अच्छा बजाया सबसे पहले। अच्छा। गणेश इसके प्रथम मालिक है, यानी सबसे बड़ा, बहुत अच्छी बजाई, और गणेश ने शंकर की भक्ति की। जी हाँ। और नारद मुनि और इत्यादि गंधर्व लोग, बड़े बड़े देवता गायन करते थे, उनके साथ में शंकर, वो गणेश जी बजाया करते थे। अच्छा। और गणेश जी से फिर ये देवताओं में सब में चला चला, कितना जमाना हुआ मैं इसके लिए, हजारों साल पहले की बात है, हजारों वर्ष की बात। ये तो आपने उस जमाने की बात बताई जो के यानी तारीख, जी हाँ, जब से कलम बंद होना शुरू हुई उसके बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात है। लेकिन क्या आप वो दौर या वो अहद बता सकते हैं जबकि मौसीकी यानी गाने या बजाने के सिलसिले में इस साज का सही यानी क्लासिकल ढंग से इस्तेमाल हुआ? कि नायक गोपाल जी और बैजू जी और तानसेन जी, ये बड़े इसके बहुत अच्छे जानने वाले, और ध्रुपद और धमाल और बासर, इन लोगों ने ऐसा काम किया जो पखावज का साथ इन लोगों के साथ रहता था। अच्छा। आपके कहने का मकसद ये है जी कि जितने ध्रुपद और धमाल वाले जी कलाकार गुजरे हैं जी, उनके साथ में जी पखावज, जी हाँ, एक यानी मुनासिब समाना माना गया है। हाँ। जी हाँ। हजरत अमीर खुसरो साहब का जो जमाना था जी, और नायक गोपाल का जमाना, जी नहीं, वो तानसेन का जमाना नहीं था। अच्छा। ये तो बरसों पहले की बात। अच्छा। तो पंडित जी जी, अभी आपने कहा ना कि नायक गोपाल और बैजू बाबरा मियां तानसेन, हाँ, उस जमाने में ये उरूज पर था। हाँ। तो
یہ ہوئی یعنی مختصر سی پکھاوج کی تاریخ. جی اس کے بعد کا دور آپ بتا سکتے ہیں پکھاوج یعنی کن کن علاقوں میں ہندوستان میں مقبول رہی؟ جی ہاں خان صاحب, یہ مہاراجا بنارس کے یہاں جی ایک پروہت تھے ان کے داس جی. اچھا. جو کہ ان کے یہاں رہا کرتے تھے پنڈت تھے. جی ہاں. اور وہ مردنگ گندھروں لوگوں سے کچھ ایسے دیوتا لوگ جن سے کہ ان کو تعلیم پتا نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے. جی ہاں. مگر داس جی نے جو تعلیم پائی مطلب یہ کچھ روحانیت کی بات ہے. ہاں. اچھا. اور وہ تعلیم کدم سنگھ کو دیا. کدم سنگھ وہ تو اپنے زمانے کے مانے ہوئے فنکار. جی ہاں. وہ داس جی کی تعلیم کدم سنگھ کے پاس آئی اور ہمارے خاندان کی کدم سنگھ کے یہاں کی وشیشتا یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں لڑی جیسے موتیوں کی لڑی ہوتی ہے. جی اس طرح کے بولوں کا گتھاؤ آپ کسی خاندان میں نہ پائیں گے. اچھا. نانا پانسی کا ہے گھر لیکن وہ ہمارے یہاں سے اچھا لیا گیا ہے. جی لیکن وہ گھر ابھی آپ نے ایک بہت بڑے فنکار کدم سنگھ جی کا ذکر کیا. جی جی جی. یہ خاص رہنے والے کہاں کے تھے؟ یہ بولا. اچھا. اور پھر کہاں مقیم ہوئے جہاں سے فن کی مطلب باجی علی شاہ کے یہاں بھی رہے. اچھا. لکھنؤ. جی اور بشنار سنگھ ریوا نریش. اچھا. ریوا کے مہاراج. ریوا کے مہاراج بشنار سنگھ اور ذوالفقار علی خان. جی باندا نواب باندا. اچھا. نواب صاحب کے یہاں وہ لازم تھے. اور گوالیر. جی ہاں. اور دتیا. جی اکثر ریاستوں میں جہاں گئے وہاں. جی ہاں. تو یہ تو چار چار موم بتیاں گل ہو جاتی تھی. اچھا. ایسے ریاضی لوگ تھے مہاراج ان کا کیا ٹھکانا. پنڈت جی ابھی آپ نے ایک خاص اصطلاح پیش کی پکھاوج کے باج کی. جی لڑی ابھی آپ نے فرمایا نا. جی جی. کہ لڑی جو ہے وہ کیا چیز ہے, اس میں کوئی خاص باج کا بول ہے وہ؟ جناب صاحب آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں. اس کا میں عرض کرتا ہوں. جی ہاں. اس کا نمونہ ذرا آپ پیش کیجیے. ان بولوں کا جواب دیکھیے جیسے موتی کی لڑی. ایسا یہ بات آپ اور خاندانوں میں کہیں نہیں دیکھیں. جی ہاں پنڈت جی یہ بول جو آپ نے ابھی جی پڑھ کر سنا ہے جی اس کا ذرا ترجمہ آپ پکھاوج پر بھی جی بہت ہو بہت ہو آپ دیکھیے کہ کس طرح کی بندے سے کیسے بول ہیں. جی ہاں. تو یہ تو آپ نے لڑی کے بول بتائے. جی پکھاوج کے باج میں اور کون کون سی اصطلاحیں ہیں پکھاوج کے باج میں؟ جی ہاں. خاص طور سے ایک گویوں کے ساتھ میں جو ساتھ ہوتا ہے جی وہ ایک ساتھ ایک الگ چیز ہوتی. جی ہاں. یہ تو بالکل جس کو ہم سولو کہتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. یعنی اس اعتبار سے جو بول ہیں. ہاں. انہی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ پرن ہے. جی ہاں. اس میں گت تو نہیں ہوتی. جی ہاں. کیونکہ پرن ہوتی ہے جو ہے قابل کی چیز ہے. تو پرن کا ایک نمونہ. جی بہت خوب. جی تیتے کتا گیدی گنی 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 داگ ناگ ناگ تر 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 گنی 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 اس کو پرن کہتے ہیں. اچھا. اور مہاراج یہ پرن ہے. جی اب مہاراج سات ہوتا ہے. اچھا. یہ سات سے پہلے بھی ایک
कोई खास चीज है जिसको जो तबले में भी इस्तेमाल होता है जी, और जिसको रेला कहते हैं वो इस पखावज में भी बजाया जाता है? जी हाँ जी हाँ होता है। वो किस अंदाज से? वो कुछ लड़कोटा होता है महाराज। अच्छा हाँ? जो बीन के साथ में जो बीन के साथ बजता है जी, बिल्कुल आप ठीक आपने कहा। ये मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए जी ये एक लड़ी के तौर पर भी है और ये साथ भी है। अच्छा जी बहुत लोग बोल और यानी नाजुक नींद के साथ है। अच्छा उसमें अलाप जोर झाला जी हाँ जी पखावज का जी हाँ जी। पंडित जी ये तो आपने पखावज के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं। जिस तरह से ये तबले के मखसूस ठेके हैं जी, इसी तरह से पखावज के भी खास ठेके जी हाँ खास ठेके हैं। खास तौर से जैसे तबले के अंदर भी जी, वैसे तो दिखाने के लिए बहुत सी बातें हैं जी, लेकिन खास तौर से तालीम तबले में 43 में होती है जी। तबलिया जो कोई सोलो करने को बैठेगा जी वो एक वैसे जितनी आजादी के साथ हाँ, तीन ताल बजाएगा हाँ, वो तीन ताल में तालीम होती है। इसी तरह हमारे यहाँ चार ताल में तालीम होती है जिसको चौताल भी जिसको चौताल कहते हैं। अच्छा ये चला आ रहा है ये ऊपर से चला आ रहा है हमारा। वाह और ये बिल्कुल परंपरा सही है। ये तालीम जो है वो त्रिताल में ही होती है। तबली जो बजाएंगे वो त्रिताल में ही बजाएंगे और दिखाने के लिए तो चाहे झपताल और चाहे सवारी और चाहे फरोदस्त और चाहे कुछ भी हो लेकिन वो कोई खास बात यानी खूबसूरती के लिए हाँ हाँ वो या तब्दीली के लिए तब्दीली के लिए किसी ने कुछ कहा तो लोग है ये भी। पंडित जी एक बड़ा एक अच्छा सवाल पैदा होता है। अभी आपने तबले का भी जिक्र किया साथ साथ पखावज का जी, इसका ये मतलब है कि इन दोनों साजों का जी कुछ आपस में खास रिश्ता होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या ताल्लुक है इन दोनों साजों का? इन ताल्लुक इसका साजों का ये है श्रीमान जी जी हाँ कि ये उंगलियों से तबला बजता है जी, खास तौर से जी हाँ इस तरह का चलन बजाते हैं तबला ये। और ये उंगलियों से अलग होता है, दिल्ली वाले तो दो उंगलियों से तबला बजाते हैं। अच्छा और वो दो उंगलियों से ऐसा बजाते हैं कि जवाब नहीं जी हाँ जी। और पूरा माले आते हैं इसे भी क्रिकेट भी बजाते हैं और ये बजाते हैं इसको। इसका बाप जो है वो पखावज ही है। अच्छा अच्छा जी हाँ। देखिए जिस तरह से तबले में एक तो होता है तबला हाँ जो किसी भी सुर में मिला लिया जाता जी, है जी, और दूसरा होता है बायां हाँ, जो कि बहुत ही यानी बहुत गूंज पैदा हाँ, इसी तरह से यानी पखावज के भी हिस्से हैं हाँ, तो ये हिस्सा जो है दायां, दायां इसका कोई खास नाम है? जी हाँ दैना ही नाम है इसका। अच्छा जी हाँ दैना है ये। इसमें कौन से बोल यानी उस हिस्से में आते हैं? ये महाराज इसकी ऐसा है कि अब ये बोल उसमें नहीं बजेंगे तबले में। अच्छा इस तरफ जैसे तबले में बायां होता है आटा लगाने का कोई खास मकसद? बस उसका यही मकसद है कि वो गूंज हो जाए, गूंज पैदा हो। तो उस यहाँ के जो बोल निकलते हैं वो उन का होता है घे होती है का घे हाँ, और ता हाँ, जी ये देने से निकलते हैं। अच्छा हाँ तो और तबले में ना तिन ना तिन ना 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 तेरे कित इस किस्म के बोल उसमें अक्ष किया है उसको दो हिस्से जो किए हैं अमीर खुसरो साहब ने। अच्छा, ये किया तो ये सही है हाँ, के हजरत अमीर खुसरो जी रहमतुल्लाह अलैह ने जी
पखावज के को हाँ। काट के रहने चाहिए जी, 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 जो दो हिस्से बनाए तो वो तबला कहलाया। वो बड़ी खूबसूरती से किया, उस काम को बड़ा खूबसूरती से किया, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद तबला बजाना पखावज के मुकाबले में आसान है, इस वास्ते कि दोनों हाथों को सहारा मिलता है, यानी तबले और बाएं पकड़ने का, जबकि ये ज्यादा मेहनत की चीज दिखाई देती है, क्योंकि इन हाथों को कोई सहारा नहीं होता है। है तो बात ही ये कहाँ तक का मकावज है, बिल्कुल पखावज बहुत अधिक ज्यादा मेहनत का। तो शायद ऐसा है कि हर मुश्किल चीज को आसान बनाने के लिए कुछ ईजाद और इख्तिरा हुआ है। हाँ, वो यही हुआ, और उसी ईजाद की रोशनी में शायद हजरत अमीर खुसरो ने पखावज इतना खुश के दो हिस्से मिला तबला और बाएं में बदल दिए। कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक। पंडित जी, इसके कोई खास ताल होते हैं ठेके? हाँ महाराज, चौताल तो होता ही है जी। दा दा दिन दिन ता कर ते दा दिन दिन ता ते ते कर ते दे, ये चार ताल है। अच्छा, और मसला फिर दूसरा ताल धमार है जी। हाँ नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैं एक सवाल जरा आपसे पूछ रहा हूँ कि तबले में इसी बारह मात्रे का एक ताल है जो एक ताला कहलाता है जी, जी, जिसके बोल धिन धिन ना त्रिकृतू ना कत्ता त्रिकृत धिन तक, बिल्कुल। तो जहाँ तक के यानी मात्रों का ताल्लुक है जी, 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 वो तो बिल्कुल ही बराबर है, बिल्कुल है। मेरे ख्याल से उसके हिस्से जो बनाए जाते हैं हाँ। उनका भी मेरे ख्याल से उनकी भी तकसीम यकसा है हाँ। वो उसमें ही जरा सी बात है जी। हाँ, आप कहते हैं धा धा दिन ता, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो, इसमें ये चार ताल यूं कहते हैं, और एक ताल में धी धी धा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अच्छा, तीधी ताल है जी, इसमें चार कर देते हैं। अच्छा, तो इसका कुछ हिस्सा इस किस्म का रखा है जी। हाँ, तो उसको जी हाँ और वो रहता भी एक ताल है। अच्छा, एक ताल जो है जी हाँ। उसको एक ताला जो कहा है जी हाँ। तो वो एक ही ताल रहता है उसमें। तो पंडित जी, ये जो सबसे खूबसूरत सबसे कदीम जी और सबसे मैं तो कहूँगा लतीफ ताल जो है वो चौताल है जी, वो आप जरा थोड़ा उसका बाज पेश कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बहुत सारा है, मगर महाराज अब मेरा तो 80 साल की उम्र है। अच्छा, चौताल के अलावा भी कोई खास ताल इसे बजाते हैं? हाँ, धमार है। धमार का नमूना आप जरा सा पेश कीजिए जी। बहुत अच्छा, का दे ते दे ते दा गे ते ते दे ते दा एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह कर दिग दिग ता दिग ता दिग ता दा दिग ता दा दो गिट पता दतक दिग ता दतक दा दग दा 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 देखिए कैसा अनुप्रास है ये, जैसे काम में एक अक्षर
पूछत विदेह ताके, लोचन जलत ताके, कुंडल श्रवण ताके, मदन लाज ताके हैं, उर्वन माल ताके, बृगवर कंद ताके, बृगपत चिन्ह ताके, नाभि कुंड ताके, कंठी वरकट ताके, वसन पीत पट ताके, कसे तूणीर ताके, धनवान वान ताके हैं, वेद रट ताके, मुन विराग तज ताके, लखे मुन पाल ताके, ये कुमार कौन ताके है। विश्वामित्र जी ने अच्छा बताया है महाराज जनक को। अच्छा। जनक ने ये कहा कि ये कुमार कौन है जो आए हुए हैं दरस्तोल में जो है, तो महाराज ये विशेषता जो ताके ताके तो इन ये भी लोग पंडित लोग प्रकाप जी जो हुए हैं इन्होंने भी वो अनुप्रास रखा देगी महाराज का दे पंडित जी जी मैं आपसे ये तो पूछना भूल गया जी कि आपकी जो शुरू की तालीम थी जी वो किस अंदाज से हुई महाराज कोई छह बरस ताकि हमारे सुनने वालों छह बरस जी हाँ तो उस वक्त से जी हमारे यहाँ की तालीम जी आपने सबसे पहले किन से सीखा मैंने अपने पिता से सीखा आप आपके मेरे पिता का नाम गया प्रसाद था अच्छा और वो भी रामपुर में ही रहते थे जी हाँ अच्छा तो इसका ये मतलब हुआ कि रामपुर जो कि हिंदुस्तान में एक बहुत ही मशहूर जगह है मौसीकी के मरकज की है जी जी, जी 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 वहाँ के माहौल में जी जी आपने आँख खोली जी बिल्कुल कोई शुभा नहीं बिल्कुल यानी बड़े बड़े उस्तादों क्या कहना है क्या कहना है तो ऐसे, ऐसे लोग रहे गुरुजन खाना ऐसा रहा रामपुर कैसा कही अब वो जो और जो जगह खत्म होती गई तो फिर रामपुर आबाद हुआ तो शुरू में जब आपने अब जैसे आपने फरमाया ना कि 7 साल की उम्र में जी आपने सीखना शुरू किया तो वो कौन से बोल थे जो इब्तदा में आपको बताए गए मेरा मतलब ये है कि पखावत सीखने का जो एक वह है स्टूडेंट या तालिब इल्म जो है वो शुरू में क्या सीखता है क्या बोल होते हैं महाराज हमारे यहाँ की तालीम ऐसी है जी हाँ कि 24 12 कायदे और 24 कायदे जी हाँ और फिर 24 भी और दूसरे 24 बड़े फिर उससे भी बड़े इस तरह से 24 24 चलते रहे अच्छा वो जो कायदे तो वो कायदे जो हैं उसका नमूना जरा पेश कर सकते हैं यानी किस एतबार से उन कायदों की तश्कील हुई है जी यानी एक कायदे से दूसरा कायदा मैं बता सकते थे जी हाँ कहते हैं ठेका कहते हैं ठेका तबले में कहते हैं पखावट में थपिया कहते हैं अच्छा ये वो है अब इसका एक पहला कायदा अलिफ जबर आप भी जबर वाजे से शुरू होता है गाने में पलटे होते हैं जी हाँ गामा सारे का सारे गामा पा ये वो शुरू होता है दिते का ताके ता गन दिते ता गेगे दिते का ताके जी हाँ बस यानी यही फिक्रे जो हैं या यही टुकड़े इस पर रियाज करते करते मंजिल आती है कि सारे बोल बहुत सफाई और बहुत अच्छे तरीके से
यानी पखावजी अदा कर सकता है। जी हाँ पंडित जी, ये तो आपने यानी शुरू की तालीम के बारे में बताया, आजकल ये साज जो है यानी बहुत ही कमी के साथ लोग बजा रहे हैं। जी हाँ। इसकी खास वजह क्या है? महाराज कठिन बहुत है, ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, और अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करना जरा बुरा मालूम होता है, मैं अपना मुझे नाज है कि मेरे घराने की जो तालीम है जी हाँ आप भारत वर्ष में कहीं देखे भी नहीं। जी वाह, आपके यहाँ के जो आपका बाज है जी उसकी खसूसियत क्या है जो दूसरे लोगों से अलग करती है आपको? आप वो यही मैंने अर्ज किया है अभी आपके सामने। अभी आप इस चरण की किसी से भी परंत करवाइए, कोई नहीं सुनाएगा इस चरण की, ये मोहर लगी हुई है इस चीज पर। मोतियों कैसी लड़ी इसमें, जो बोलों का एक सिलसिला है वो हर एक जगह ये चीज नहीं पाई जाएगी। अच्छा, आपने आपकी तो माशाल्लाह उम्र काफी है, आप कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 81 साल चला। 81 साल, तो कितने अरसे से आप यानी आला किस्म के फनकारों को सुनते आए हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित, बड़े मशहूर मारूफ उस्ताद, तो उनके नाम आप बता सकते हैं जिसमें कि गवैये और साजिंदे दोनों ही शामिल हैं? महाराज ये डागर खानदान के अलाबंदे खान, जाकरुद्दीन, निसारुद्दीन, ये तमाम सब के साथ में बजाया है मैंने। अच्छा, और रामपुर में हैदर खान और फिदा हुसैन खान जी, और खास तौर से जो यहाँ पर रामपुर में ये एक गुनीजन खाना रहा उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, इनायत हुसैन खान, जी हाँ, जवाब नहीं था इन लोगों का। और वो मैंने अभी यही अर्ज कर रहा था कि वो तालीम का दिमाग में एक दायरा है कि अब नहीं सुनता वो चीज, कहीं देखता है। कुछ भी इनकारों को भी सुना होगा आपने? हाँ, मोहम्मद हुसैन थे भी इनका जी, और दबीर खान साहब को भी। जी हाँ, दबीर खान भी थे, वजीर खान थे जी, वजीर खान साहब, वजीर खान साहब नवाब साहब के यहाँ जी, रामपुर के ही रहने वाले थे, रामपुर के ही, और नवाब के उस्ताद थे और बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छी भी बनी चाहिए। जी हाँ, तो आप आजकल का जो गाना और बजाना है उसके मेयार के मुतालिक क्या ख्याल है आपका? यानी मेरा मकसद ये है कि लोग काफी मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ हासिल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं जी कि बड़ी तरक्की की है हिंदुस्तान में जी, और तबले ने तो बहुत ही अच्छी तरक्की की है। अच्छा, तबला तो बहुत ही ऊंचा हो रहा है। तबले में आपने कौन कौन से उस्तादों को सुना है? अब तबले में इस वक्त जी अहमद जान थलगुआ का तो जवाब ही नहीं है, क्या देना है जी, बहुत बेहतरीन तबले तबलिए हैं वो जी, और भी तबलिए हैं, लेकिन खास तौर से अल्लाह रखे भी हैं जी, शांता प्रसाद गुदई भी हैं जी, और महाराज बंगाल में बहुत से बंगाली भी तबला बहुत अच्छा बजा रहे हैं। इस मुल्क में कुछ इलाकों में और दूसरे महाराज नहीं पखावज भी और बजाते होंगे और फनकार? हाँ, बजाते हैं मेरा बरसों का, ये परसोत्तम दास भी है जी हाँ, ये भी नाना पांसे के सखाराम थे मैरिज कॉलेज में वहाँ लखनऊ में जी हाँ, अब वो उनके ही सीखा हुआ एक शिष्य नाटक अकादमी ने हमको पाठक रमाकांत पाठक वो हमको दिया गया है, वो रामपुर में आता सीखता है, उसको हम दो पढ़ने बताई तो महाराज कैसे तो उड़ गया जी। तो अब वो छोटे छोटे कायदे महाराज जो आपको मैंने अभी सुनाए वो अब मैंने आपने फरमाया कि कुछ लोगों ने सीखना शुरू किया है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें तवक्को रखनी चाहिए जी जी कि हमारे जो होनहार फनकार हैं
وہ اس قیمتی اور قدیمی ساز کو سیکھیں گے اگر مطلب ملک کی روایات کو برقرار رکھیں گے. بالکل بالکل ایسی بات. اگر کوئی یعنی آپ سے سیکھنا شروع کرے جی 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 سمجھدار باصلاحیت فنکار ہے تو تقریباً کتنے دن لگ جاتے ہیں کہ ایک معیار پر پہنچنے کے لیے؟ صاحب عرضی ہے جی ہاں کہ ویسے تو یہ کام جگول کا ہے. جی ہاں بالکل متوجہ کے لیے تو کئی عمریں چاہیے. لیکن کم سے کم 8-7 برس تو 8 سال یعنی جس میں کہ بول 8-10 سال ہوں تو 8-10 سال میں جی اس قابل ہو جائے گا کہ آپ سنیں گے تو خوش ہوں. اچھا پنڈت ایودھیا پرساد جی آپ کو بہت بہت شکریہ کہ دیکھیے آپ اتنے بزرگ ہیں یہ تو آپ کے ضعیف ہیں آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور اتنے فنکارانہ انداز میں اور اتنی محنت سے آپ نے اپنے یعنی ساز کے کچھ نمونے پیش کیے اور اس ساز سے متعلق کچھ قدیمی باتوں سے ہمارے سننے والوں کو روح شناس کرایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آداب عرض ہے. آداب.